एक हमसे क्वेश्चन ये भी हुआ कि अगर कोई नमाज पढ़ना भूल गया, हत्ता के नमाज का वक्त निकल गया, तो क्या वो गुनाहगार होगा? देखिए, मसला ये है कि भूलना दो तरह होता है। एक ये होता है कि कोई अच्छा आप काम कर रहे थे, उसमें आप मशगूल हुए और आप भूल गए। मिसाल के तौर पे आप पढ़ रहे थे, आप कोई अपने घर का काम कर रहे थे, मेहमान घर में आ गए थे, तवज्जो ना रही, और ये ज़िंदगी का कोई एक आध दफ़ा वाकया है, तो इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत से उम्मीद है वो गुनाहगार नहीं होगा। फिर भी एहतियातन तौबा करे और कज़ा नमाज अदा करे। और अगर मशगूलियत इस किस्म की थी कि आवारागर दोस्तों के साथ बैठे हुए थे, क्रिकेट के मैच देख रहे थे, फजूलियात में किसी और में लगे हुए थे, इस वजह से नमाज भूल गई, तो फिर शदीद काबिल गिरफ्त हैं कि उन्होंने तवज्जो क्यों नहीं की, उस पर कामिल तौबा करें और आइंदा के लिए इस किस्म के मामलात से इज्तिनाब करें।